नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हरियाणा के नुहू जिले में सोमवार को ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान तीव्र सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है। सोमवार को दो समूह के बीच झड़प के बाद हरियाणा के नुहू जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। उपद्रवियों ने जमकर आगजनी और पथराव किया, वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। उपायुक्त ने मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए रात 8:30 बजे दोनों गुटों की बैठक बुलाई है। सूत्रों का कहना है कि नलहर महादेव मंदिर के निकट जलाभिषेक यात्रा के दौरान पथराव शुरू हुआ, जिससे भगदड़ मच गई है। वायरल वीडियो में कुछ लोग वाहनों को क्षतिग्रस्त करते देखे गए हैं। विवाद का वास्तविक कारण क्या है, इसका अभी सही कारण नहीं पता चला है। दोनों समूह से आरोप प्रत्यारोप लाए जा रहे हैं, अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुझे घटना की जानकारी मिली, अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है और इंटरनेट बंद कर दिया है। फंसे हुए लोगों को दोस्तों बाहर निकाला जा रहा है। 2500 से ज़्यादा हिंदू लोग मंदिरों में दोस्तों शरण लिए हुए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव TV SN प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश में कहा गया है कि हरियाणा राज्य के नुहू जिले में प्रदर्शनकारियों, उपद्रवियों, आंदोलनकारियों और असामाजिक तत्वों द्वारा तीव्र सांप्रदायिक तनाव, मानव जीवन और संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक शांति और सौहार्द में बाधा की उत्पत्ति उत्पन्न हो गई है। नुहू जिले में 2 अगस्त तक इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी है। हरियाणा सरकार ने एक अधिकारी के अधिसूचना में कहा कि यह आदेश सोशल मीडिया फोरम के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए किया गया है। आदेश में कहा गया है कि मोबाइल फोन और SMS पर WhatsApp, Facebook, Twitter आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा 2 अगस्त तक बंद कर दी है और भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया।